फिल्म निर्माता बोनी कपूर और श्रीदेवी के प्रेम की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। ये कहानी है उस दौर की जब श्रीदेवी साउथ फिल्मों के स्टार बन चुकी थी। बोनी कपूर के दिल में श्रीदेवी के लिए तभी से ही कुछ कुछ होने लगा था। श्रीदेवी के प्रति बोनी की दीवानगी का आलम यह था कि एक आध बार श्रीदेवी से मिलने की कोशिश भी उन्होंने तब की थी, पर पता चला कि श्रीदेवी विदेश में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। और वैसे भी श्रीदेवी से मिलना उस वक्त काफी मुश्किल भी था, क्योंकि श्रीदेवी का सारा काम उनकी माँ जो संभाल रही थी। इसीलिए सवाल ढेर सारे रहते थे, पर बोनी ने हार नहीं मानी। देखते देखते वक्त बीत रहा था और इसी बीच श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरों ने बोनी को निराश जरूर कर दिया था, पर फिर भी बोनी ने जब मिस्टर इंडिया फिल्म बनाने की सोची तो हीरोइन के लिए श्रीदेवी को ही चुना। और इस तरह बोनी और श्रीदेवी एक दूसरे को जानने लगे। लेकिन श्रीदेवी के अफेयर की वजह से निराश बोनी ने मोना से शादी तो कर ली, पर दिल श्रीदेवी के लिए ही धड़कता रहा। मिथुन से अफेयर खत्म होने के बाद श्रीदेवी काफी टेंशन में रहने लगी थी, और इसके बाद श्रीदेवी की मां की तबीयत भी खराब हो गई थी। ऐसे समय में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को मानसिक और फाइनेंशियली हर तौर पर सपोर्ट किया था। श्रीदेवी ये देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी, और इसके बाद दोनों दिल खोल कर बातें करने लगे थे। ये सब चांदनी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था, जिसकी शूटिंग उस समय स्विट्जरलैंड में हो रही थी। श्रीदेवी के साथ जब बोनी कपूर के अफेयर की बातें मोना कपूर को पता चली तो जाहिर है वो नाराज तो होंगी ही। मोना अपने बच्चों अर्जुन और अंशुला को लेकर अपनी माँ की मदद से अपना जीवन आगे बढ़ाने लगी। धीरे धीरे मोना को इन सब की आदत भी हो गई थी, और मोना ने बाद में खुद को अलग करना ही मुनासिब समझा। मोना के घर से जाने के बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी से 1996 में शादी कर ली, और इस प्रेम कहानी का सुखद अंत हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर मोना की कैंसर की वजह से मौत हो गई, पर मोना हमेशा बोनी कपूर को खुश देखना चाहती थी, और यही उनका सपना भी था।